गोंदिया जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 19 जून से शुरू हो रही है और गोंदिया जिले में 110 पदों के लिए यह भर्ती शुरू होने जा रही है। इसके लिए लगभग 9026 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन 8026 आवेदनों में से उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता परीक्षा 19 जून से शुरू हो रही है। चरणबद्ध तरीके से शारीरिक क्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगड़े ने अपील की है कि शारीरिक क्षमता परीक्षण आज शाम 5 बजे से शुरू होगी। भले ही बारिश का दिन हो और पुलिस भर्ती के दौरान कोई भी चूक का शिकार न हो, इसमें किसी भी तरह का अनुचित व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। भर्ती के दौरान केवल शारीरिक प्रयास ही हमारा साथ देगा और उन्होंने भर्ती की अवधि के दौरान आने वाले अभ्यर्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और इस भर्ती प्रक्रिया में अपनी शारीरिक क्षमता दिखाने की चुनौती दी। संपूर्ण शारीरिक क्षमता परीक्षण की निगरानी के लिए 80 कैमरे लगाए गए हैं और अत्याधुनिक कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। यह जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगड़े ने दी है। 19 जून आपल्याकडे पुलिस भर्तीची प्रक्रिया सुरू आहे। पोलीस कॉन्स्टेबल या पदासाठी त्याच्या 110 रिक्त जागांसाठी जवळपास 8026 आवेदन आपल्याकडे प्राप्त आहेत आणि टप्प्याटप्प्याने जवळपास 14 दिवस या सगळ्यांची शारीरिक चाचणी होणार आहे 50 मार्कांची। त्यानंतर निकाल लागून मग पुढची प्रक्रिया, मग ती लेखी, मेडिकल वगैरे सगळी प्रक्रिया चालणार आहे। पावसाळ्याचा हा कालावधी आहे आणि त्याच्यामुळं पाऊस असताना किंवा पावसाचं वातावरण असताना सुद्धा ग्राउंडवरची सगळी कसरत व्यवस्थित पार पाडावी याच्यासाठी सुद्धा आम्ही वेगळ्या पद्धतीने तयारी करत आहोत आणि सर्व कॅन्डिडेट्सला सकाळी 5 वाजताचं रिपोर्टिंग टायमिंग दिलेलं आहे। सगळ्यांना मी या निमित्ताने आवाहन करेल की सर्वप्रथम कुठलंही भूल तापांना बळी पडू नका। इथं कुठल्याही प्रकारचा जुगाड, लग्गा, कुठल्याही प्रकारचा कोणाचाही संपर्क असल्याची कुठलीही गोष्ट कामाला येणार नाही। तुम्ही फक्त आणि फक्त तुम्ही जे काही परिश्रम घेतलेत ते व्यवस्थित तुमचे परिश्रम मार्गी लावा ग्राउंडवरती येऊन, त्याचबरोबर या सगळ्या कालावधीमध्ये स्वतःच्या प्रकृतीची काळजी घ्या, स्वतःच्या हेल्थची काळजी घ्या, जेणेकरून तुमचा जो काही बेस्ट असेल तो तुम्ही या भरती प्रक्रियेमध्ये देऊ शकाल। या भरती प्रक्रियेसाठी 250 जास्त पोलीस आणि 60 पेक्षा जास्त CCTV कॅमेरे, त्याचबरोबर हँडहेल्ड कॅमेरे, त्याचबरोबर RFID सिस्टीम, अशा सगळ्या अत्याधुनिक पद्धतीने आपण ही भरती प्रक्रिया पार पाडणार आहोत। येताना सगळी कागदपत्रं व्यवस्थित घेऊन या आणि ही भरती व्यवस्थित निर्विघ्नपणे पार पडेल अशी एक मी तुम्हाला सगळ्यांना ग्वाही देतो। BCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।